नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वदेश साहू, MBBS ICTN टेक्स ट्रेनर। मैं यहाँ आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी जो कि महावारी यानी कि मेंसेस के बारे में है। ये फीमेल से पाई जाने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि अबाउट प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मतलब 13 साल के बाद ये स्टार्ट हो जाती है और ये करीब रहती है 50 साल तक एवरेज, जो हर मंथली होती है। इसमें कुछ ब्लड लॉस होता है जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के तहत होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है करीब 28 डेज का। ये एवरेज है, किसी में कम भी हो सकता है ये ड्यूरेशन, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। ये कम हो सकता है अप टू 21 डेज और ज़्यादा हो सकता है अप टू 35 डेज। इसमें जो ब्लीडिंग लॉस होती है ये करीब 50 ml से लेकर 100 ml तक हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। ये टोटली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है तो ये परसेंट टू परसेंट वेरी भी कर सकती है, लेकिन जब ये स्टार्ट होती है तो उस टाइम पैनलेस ब्लीडिंग होती है और शुरू शुरू के कुछ 5-2 साल ये जो मेंसेस होते हैं ये इरेगुलर भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी होते हैं, और कभी कभी 1-2 महीने का गैप भी हो सकता है जो इनक्रेंट होते रहते हैं, है ना। और जब ये रेगुलर हो जाते हैं तो ये एक रिदम पकड़ लेते हैं और उतना ही ब्लड लॉस होता है जो कि एक एवरेज पर्सन के लिए फिजियोलॉजिकल रहता है। ये जो ब्लड लॉस होता है कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी रहता है। ये कुछ कंडीशंस की वजह से भी पर्टिकुलर पर्सन में कम हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेस हुई, एंजाइटी हुई, अनीमिया हुई, कोई मेडिकल इलनेस है, TB या कोई किडनी संबंधित बीमारी। इसके अलावा यदि कोई आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं या और भी कुछ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है तो ये कम हो जाता है। और कभी कभी कोई बीमारी की वजह से, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड है या कुछ ट्यूमर वगैरह है, PID, कुछ इस टाइप से कंजेस्टिव डिसीज है, जनरेटर ट्रैक्ट में तो ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसमें आपको मन से कुछ डायग्नोस नहीं बनाना है, आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है, वो एग्जामिन करेगा और वो ही इस बात का डायग्नोस बनाएगा कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। कभी कभी पेन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि किसी मेडिकल इलनेस की तरफ इशारा करता है, और डॉक्टर इस जजमेंट बनाएगा, USG जो भी उसको जाँच इसमें सफिशेंट लगती है वो करवाएगा और फिर वो आपको बताएगा कि यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसमें इसको जो पेन होता है इसको मैनेज करने का एक तरीका होता है, उसमें आप NSAIDs, मेफेनपिक एसिड और IBUPROFEN वगैरह ले सकते हैं, और भी कुछ रेस्ट वगैरह आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको डॉक्टर आपको एग्जामिन करके सलाह देगा। इसको लेकर आप कोई भ्रांति ना पालें। इसको लेके अगली जानकारी मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।